नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज नगरी आगरा में सातिर जुआरियों और सटोरियों के साथ साथ इस कारोबार को चला रहे अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर थाना सिकंदरा पुलिस ने 19 सातिर जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। इनमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है, अन्य की धरपकड़ जारी है। इसकी जानकारी DCP सिटी सूरज कुमार राय ने दी है। बता दें कि कुछ समय पहले थाना सिकंदरा क्षेत्र में तत्कालीन ACP हरिपर्वत मयंक तिवारी के निर्देश पर होटल सेंडर से 15 सातिर जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से कई साथी फरार हो गए थे। पुलिस ने इन सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन जैसे ही ACP मयंक तिवारी के निर्देश पर थाना सिकंदरा पुलिस ने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह के समय में सभी सातिर जुआरियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया तो इन जुआरियों ने सांठ गांठ करा के गैंगस्टर की कार्रवाई को रुकवा दिया था। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में सिकंदरा थाना पुलिस ने इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होने के बाद सभी सातिर जुआरियों में हड़कंप मच गया है। इन सातिर समेत कई गैंगस्टर में नामजद सभी लोगों को जुए और सट्टे का बड़ा कारोबार है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के आदेश पर की गई इस बड़ी कार्रवाई से सट्टे और जुए के बड़े माफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये अब तक के आरोपी नामी गैंग के गुर्गे और कई सफेदपोशों की मेहरबानी से जुए सट्टे के काले कारोबार को बड़े आराम से अंजाम दे रहे थे। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने जुए सट्टे के बड़े माफियाओं के पैरों तले जमीन खिसक गई है। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं इस पूरे मामले पर पुलिस के अधिकारी। ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की, क्या मामला है पूरा? तो देखिए, आयुक्त महोदय के निर्देश पर जितने भी आगरा जनपद में जुए सट्टे के संलिप्त और संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने वाले अपराधी हैं, उन सबके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। और उसी क्रम में सिकंदरा पर 19 लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। जो संजय कालिया और संजय जैन इसका गैंग लीडर है, और इस गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो भी गई। बहुत शीघ्र ही बाकी सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके और इनके द्वारा जो अर्जित की गई अवैध संपत्ति है उसकी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे ही पूरे आगरा जनपद पे अन्य जो जुआ सट्टा के अपराधी हैं जो इस तरह की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभियान जारी रहेगा। थाना सिकंदरा में 4 अभियुक्तों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।